नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर, साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे आई गॉट कर्मयोगी मिशन में रजिस्ट्रेशन हेतु सभी कर्मचारियों को न्यू गवर्नमेंट ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जीमेल आईडी पहले से ही बनी हुई है, जो सरकारी ईमेल है वो पहले से ही बनी हुई है। आपको जो अपनी सरकारी ईमेल है वो किस प्रकार देखनी है, किस प्रकार ओटीपी आपके आएगी, आपको जो ईमेल वेरीफाई करनी है वो किस प्रकार करनी है, यानी कि कर्मयोगी मिशन में जो रजिस्ट्रेशन है तो आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता है, वो किस प्रकार आपको देखनी है और ओटीपी प्राप्त करनी है और रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है, यानी कि इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, वीडियो देखने के बाद आप कर्मयोगी मिशन में आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो आई गॉट कर्मयोगी है इसमें सफल रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कैसे करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस प्रकार आपको अपनानी है और उसके बाद लॉगिन प्रोसेस किस प्रकार अपनानी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्ले स्टोर से राजमेल डाउनलोड करें, यानी कि आपको जो एसोसो आईडी है, एसोसो आईडी में आप राजमेल ओपन करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण राजमेल ओपन नहीं हो पाती हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएँ और राजमेल ऐप डाउनलोड वहां से कर ले। यूँ कोई अलग से राज की आईडी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी जो राज मेल है उस पर ऑलरेडी आपकी जो है मेल आईडी बनी हुई है। आपको नई जो राज की आईडी है, यानी कि सरकारी ईमेल आईडी है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। राज मेल पर आपकी जो है आईडी पहले से ही बनी हुई है। इसके लिए आपको करना क्या है, राज मेल जो आप डाउनलोड करेंगे उसको लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी में आपको जो आपकी एम्प्लॉई आईडी है वो डालनी है। देखिए, उसको आप जो स्मॉल लेटर है उसमें डाल दें और जो आपकी एम्प्लॉई आईडी है उसके पीछे आपको @rajasthan.in इस प्रकार जोड़ देना है, यानी कि आपकी एम्प्लॉई आईडी साथ में @rajasthan.in जोड़कर आपको जो है आईडी में लिख देना है। और इसके बाद जो पासवर्ड है उसमें आपको एसोसो आईडी के पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये राजमेल ऐप है, इसकी भी प्रोसेस थोड़ी स्लो है। तो आपको हो सकता है ये आईडी पासवर्ड भी गलत बता दे, तो आप 2-4 बार ट्राई करें। काफ़ी सारी जो है मैंने ट्राई किए, उसके बाद ही मेरा भी ओपन हुआ है। तो आप भी जो है, अगर एक बार में ओपन हो जाता है ठीक है, नहीं तो आप 2-4 बार जिस है इसकी ट्राई करते रहें। जैसे आपका राजमेल ओपन हो जाता है, इसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, कर्मयोगी लिंक ऐप में रजिस्ट्रेशन है तो आपका जो नाम है, ग्रुप है और मेल है और ओटीपी वगैरह फिल करनी है। तो किस प्रकार करनी है वो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब देखिए, जब आप आई गॉट कर्मयोगी पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फुल नेम है, जो आपको फुल नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको ग्रुप फिल करना है। ग्रुप में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD, और जो संविदा कार्मिक के उनके लिए अलग से ऑप्शन है, यानी कि जो भी राज्य सेवा के कर्मचारी उनको ग्रुप ए बनना है। जो अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं, जैसे कि थर्ड ग्रेड टीचर हैं या सेकंड ग्रेड टीचर्स हैं या प्रबोधक वगैरह हैं, तो उनको ग्रुप बी बनना है। और इसी प्रकार जो मंत्रालयिक कर्मचारी उनको ग्रुप सी बनना है, और जो फोर्थ ग्रेड यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनको ग्रुप डी बनना है। तो इस प्रकार ग्रुप का यहाँ पर जो है सिलेक्शन। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर मेल फिल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी आपने, मैंने आपको बताई थी कि जो राज मेल है जिसमें आपको आईडी डालकर लॉगिन करना है, तो उसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी है और @rajasthan.in लगाकर आपको वहाँ पर जो है लॉगिन करना है। वही मेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है और यहाँ से आपको जो ओटीपी है वो सेंड करनी है। ओटीपी आपको राज मेल पर मिलेगी। राज मेल पर ओटीपी किस प्रकार मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो देखिए, आपने प्ले स्टोर से राजमेल ऐप डाउनलोड कर लिया है। जैसे राजमेल ऐप को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। ईमेल एड्रेस में आपको अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है वो स्मॉल लेटर में यहाँ पर फिल करके @rajasthan.in ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपकी ईमेल एड्रेस हो जाएगा और यही आपकी राजमेल की आईडी होगी।
यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है, वो SSO ID के जो आपके पासवर्ड है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन प्रोसेस यहाँ पर ये हो जाएगी, हो सकता है थोड़ा ये टाइम ले, हो सकता है ये आपके एक दो बार गलत भी बता दे, तो आपको यहाँ पर बार बार प्रयास कर लेना है। उस अभी ये नाइट में तो थोड़ा अच्छा चलता है, तो यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हो सकता है दिन में ये थोड़ी प्रोसेस स्लो हो तो आपके दिन में ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये यहाँ पर आसानी से लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद देखिए, तो देखिए जैसे ही आपने राजमेल को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको राजमेल के फोल्डर्स नज़र आएंगे, जिसमें आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट्स हैं, इनबॉक्स हैं, सेंट और ट्रेस, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपकी जो OTP आपने सेंड किए हैं वो OTP आपको यहाँ पर इनबॉक्स में मिलेगी, आपको इसी इनबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने राजमेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर इनबॉक्स में आप जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए OTP टू वेरीफाई ईमेल, यहाँ पर देखिए mission.rajkaramyogi@government.in के नाम से आपको जो आपकी ईमेल आईडी है इस पर आपको OTP भेज दी जाती है, और ये OTP आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस OTP को आपको वहाँ पर फिल करना है जहाँ से आपने OTP रिक्वेस्ट सेंड की थी, वहाँ पर आप OTP फिल कर वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए जो OTP आपको राजमेल पे मिली उस OTP को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी OTP है वो वेरीफाई हो जाती है और आपको यहाँ पर ग्रीन टिक इस प्रकार मिल जाएगा। इसके बाद आपको ईमेल का काम आपका ख़त्म हो जाता है। ईमेल में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी जो एम्प्लॉई ID है उसमें @rajasthan.in लगाकर आपको जो है ईमेल है वो वहाँ पर राजमेल में डालनी है ID के रूप में, और पासवर्ड आपको SSO वाले डालने हैं, और लॉगिन वहाँ पर राजमेल को करना है। वहाँ राजमेल इनबॉक्स में आपको जो यहाँ से OTP आप भेजेंगे वो वहाँ पर मिलेगी, उस OTP को यहाँ पर फिल करके आपको ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। ये ईमेल की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। इसके बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देने हैं, और मोबाइल नंबर पर आपको OTP वेरीफाई करने के लिए भेजना है। जैसे ही OTP आपके मोबाइल नंबर पे आती है उसको आप यहाँ पर फिल करके उसको भी वेरीफाई कर ले। मोबाइल नंबर बड़ी ही आसान तरीके से यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद देखिए स्टेट सेंटर, यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सेंटर वाले सेंटर पर क्लिक करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है यहाँ पर सर्च करना है। इसके लिए आपको जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, या जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका संस्था है उसको आप यहाँ से सर्च करेंगे, तो यहाँ पर जो आप भी आपकी संस्था है उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से ही मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको सर्च में मिल जाते हैं। जो भी आपका डिपार्टमेंट है या जो भी आपका ऑफिस है वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो ये यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार मैं इसको यहाँ सर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए सेकेंडरी एजुकेशन के कर्मचारी हैं तो उनको यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन जो है फिल कर देना है। जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी है, सेकेंडरी यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन है, तो आप यहां पर इस करके भी सर्च कर सकते हैं। और यहां पर देखिए आपको सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, तो सेकेंडरी एजुकेशन वाले इसको सर्च कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन एलिमेंट एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट ये वाला ऑप्शन है, तो वह इस प्रकार यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोनों पर टिक कर देना है और इसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने साइन अप पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर जो रजिस्टरिंग, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल टू एक्टिव योर अकाउंट। तो इस प्रकार आपको यह मैसेज मिल जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये आपको iGov कर्मयोगी पर ले जाएगा, वहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो इस पेज पर आप आ जाते हो। अगर इस पेज पर नहीं आते हो तो igorkarmyogi.government.in पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लॉगिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन विद पासवर्ड से भी कर सकते हैं, लॉगिन विद OTP से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लॉगिन विद OTP से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ईमेल फ़ोन नंबर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ईमेल अगर आप फिल करते हैं तो ईमेल वही राजमेल पर जाकर खोलना होगा, लेकिन मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से OTP आपको भेजनी है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, देखिए मैं प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दिए हैं, इसके बाद ओटीपी मुझे मिल चुकी है। ओटीपी यहाँ पर मैं फिल करूँगा, यहाँ से ओटीपी जैसे आप फिल करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको जो है कर्मयोगी पोर्टल को सबमिट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाता है, थोड़ी सी ये प्रोसेस वगैरह लेगा और आपका यहाँ पर icode.kermyogi.in लॉगिन हो जाता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर जो है लॉगिन पेज भी खुल जाता है। यहाँ पर आपकी आईडी का आपको लोगो नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें नज़र आ जाएंगे। देखिए नमस्ते जुगल है, आपकी प्रोफाइल वगैरह कितनी है, यानी कि आगे की सारी डिटेल्स है आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पर मेरी प्रोफाइल सिर्फ 18% ही कंप्लीट है, बाकी काफ़ी सारी जानकारी इसके अंदर है, वो आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी icode.kermyogi पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, राजमेल किस प्रकार ओपन करना है, ओटीपी किस प्रकार मिलेगी, ओटीपी को किस प्रकार वेरीफाई करना है और बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।